अंबिकापुर की सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में कई गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, जहां ना तो सड़क है, ना पुल, ना एम्बुलेंस, जिससे ग्रामीणों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही मैनपाट का सुगापानी गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर, जहां सड़क और पुल के न होने से मरीज को खाट पर ढोकर अस्पताल ले जाया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मैनपाट और सुगापानी गांव में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। इलाज के लिए मरीज को ले जाना पड़ता है घाट पर। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरह की हालत है। घाट पर सिस्टम की ये तस्वीरें साफ तौर से नजर आ रही हैं। गांव में ना तो सड़क है, ना एम्बुलेंस की सुविधा है, और आम जन, वहां के जो लोग हैं, वो किस तरह से परेशानी से दो चार होते हैं, और कई बार मरीजों की मौत भी हो जाती है क्योंकि देरी हो जाती है उन्हें अस्पताल पहुंचाने में। बहुत जनसंख्या है, शुरुआत है असगावा से नदी इस पार, तो मतलब कि गिरड ही, सुगापानी, धापारा, उचिटपारा, और यहाँ से लेकर के वो लब्जी जामा तक यहीं में आना जाना करते हैं। मतलब 16 पाइप है जो गांव वाला मन हमन अपना हिसाब से हर समय हर साल मतलब हमन हमें बना थन और बरसात में बह जाए। असगावा से सुगा पान से रोड़े नहीं है, मरीज ला ढोढ़ ले जाता, पुचिट पारा, ढाप पारा, गोलिया खुत्ती, तुर्रा पारा, ये तक कर आदमी जनसंख्या कर रोड़े नहीं आए, का कर ढोढ़ ढो के ले जाता है। पगडंडी डगर बनाए हैं, आम जनता मन बनाए हैं, जब पैसा जुटाया जुटाया चंदा करके के बनाए हैं, वहाँ भी जनपद में देखा था, ब्लॉक में देखा था, विधायक माध्यम में देखा था, कोई सुनाई नहीं है। हमारे बड़ डगर में ढोई ढोई के मरीज ला ले जाता नदी में नकाता हैं, ओकर लेकिन नहीं सुने कोनो सरकार, ना कोनो प्रशासन नहीं सुने, ना कोनो विधायक मंत्री नहीं सुने, हमन कैसे करब ये किसम। और ज्यादा जानकारी के लिए श्रवण महंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरह से खाट पर सिस्टम नजर आ रहा है, मूलभूत सुविधाओं के लिए ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, आखिर कब से ऐसी तस्वीर बनी हुई है और आखिर इस तरफ ध्यान कोई क्यों नहीं देता? जो हम सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत असगावा के सुगापानी की ये पूरी तस्वीर है, और इस तस्वीर में बीमार व्यक्ति को खाट पर अस्पताल ले जाया जा रहा है, और इसी तरीके के ये पूरा जो इलाका है वो देखने को कहीं कहीं मिलता है। और लगातार जो है यही क्षेत्र जो मैनपाट विकासखंड का जो क्षेत्र है उस पर इस तरह की तस्वीर निकल कर आती है, जिसमें लगातार ग्रामीण जो है सड़क को लेकर के, चाहे पानी को लेकर के, ये समस्या शासन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और आज यही जो तस्वीर है वो मैनपाट इलाके के असगावा जो गांव है वहां की जो ये तस्वीर है वो निकल कर आई है, और इससे तस्वीर के माध्यम से ग्रामीण अपने मूलभूत सुविधा को ये बताना चाह रहे हैं कि ये कितनी तकलीफ में ये जीते हैं। और जिस तरह से ये खाट पर अस्पताल ले जा रहे हैं ये आज का मामला नहीं है, सालों से जो वहाँ के ग्रामीण हैं वो इसकी मांग कर रहे थे लेकिन आज तक उसकी सुनवाई नहीं की गई है। बता दें कि ये जो विधानसभा सीतापुर है वो खाद्य मंत्री अमरजीत का है, और लगातार जो है 20 सालों से यहाँ के विधायक हैं, और यही इसके बावजूद जो है मूलभूत सुविधा आज जो ग्रामीण अंचल तक पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाई है, जिसकी तस्वीर आज देखने को मिल रहा है। हालांकि ग्रामीणों का कहना था कि कई बार जो है मंत्री जी से भी इस चीज के बारे में जो है जानकारी दिए हैं, इसके बावजूद ना ही शासन प्रशासन और ना ही यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो इनको मुहैया कर रहे हैं। बात वही होती है श्रवण की, जब वोट लेना होता है तो एक एक कस्बे में, एक एक कोने में जाकर के वोट मांगा जाता है, पर जब सुविधाओं की बात आती है तो कहते हैं कि पिछड़ गया, देखा नहीं गया, समझा नहीं गया, बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं। जी बिल्कुल, इस तरीके से ये तस्वीर निकल के आई है, और सीतापुर
जो विधानसभा क्षेत्र में ऐसी पहली तस्वीर नहीं है। इसके पहले कि गर्भवती महिला है, गर्भवती महिला को भी कांवर पर ले जाकर अस्पताल ले जाया जाता है। तो तमाम जो दावे जरूर करते हैं जनप्रतिनिधि, घर घर जाकर वोट मांगते हैं और नीचे ही इस विधानसभा सीट पे हो सकता है कि इस गांव तक पहुंचेंगे और तमाम जो है दावे जो है करेंगे कि मूलभूत सुविधा पहुंचाई जाएगी और वोट मांगा जाएगा। लेकिन तस्वीरें कुछ और बयां करती हैं, जिसकी आज जिस तरह से तस्वीर और ग्रामीण जो है जिस लहजे से ये प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उनको कम से कम सड़क तो दिलाई जाए ताकि हमारे जो आने जाने में या किसी प्रकार का तकलीफ ना हो, बीमार व्यक्ति को कम से कम अस्पताल तक पहुंचाया जा सके, किसी की मौत ना हो। बहुत शुक्रिया श्रवण जानकारी को साझा करने के लिए। राजनांदगांव के नक्सल प्रभावित क्षेत्र पाटन के खास गांव में भी स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। गांव में प्रसव पीड़ा से तड़प रही महिला के पास एम्बुलेंस नहीं पहुंची, वो तो भला हो आईटीबीपी के जवानों का जिन्होंने समय रहते मदद की और एंटी लैंडमाइन व्हीकल से गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाया। सही समय पर अस्पताल पहुंचने पर महिला ने स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। प्रसव के बाद जच्चा बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं। गांव के लोग आईटीबीपी के जवानों की तारीफ कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राजनांदगांव की ये तस्वीरें हैं कि किस तरह से यहां पर भी टाट पर सिस्टम है और नक्सल प्रभावित इलाका ये बताया जा रहा है, जहां पर गांव में भी स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। गांव में प्रसव पीड़ा से तड़प रही महिला के पास एम्बुलेंस नहीं पहुंची, वो तो आईटीबीपी के जवान मौके पर पहुंच गए जिन्होंने समय रहते मदद की और अस्पताल जो है महिला को पहुंचाया गया। तो सिस्टम की बदहाली की ये तस्वीरें हैं कि किस तरह से लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ता है, किसी तरह की कोई सुविधाएं नहीं है कि ये अस्पताल तक पहुंच सके। और इसी तरह की कुछ एक तस्वीर देखने को मिली है जहां पर गर्भवती महिला तड़पती हुई नजर आ रही है। नर्मदापुरम में जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। जिला अस्पताल में ओपीडी वार्ड में डॉक्टर की टेबल पर डॉग के आराम करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में डॉक्टर की टेबल पर डॉग आराम करता नजर आ रहा है। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। डॉक्टर की टेबल पर ये डॉग की तस्वीरें आप देख रहे हैं, आराम फरमाता हुआ ये कुत्ता नजर आ रहा है। ओपीडी में डॉक्टर की टेबल पर डॉग नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अस्पताल की तस्वीरें हम देख रहे हैं कि किस तरह से डॉक्टर के ओपीडी में कुत्ता आराम करता हुआ आराम फरमाता हुआ नजर आ रहा है। जी निश्चित तौर पर अभी तक जो तस्वीरें हमारे सामने आती रही हैं, अस्पताल की जो ओपीडी है उसमें डॉक्टर अपने मरीजों का इलाज करते देखे गए हैं। लेकिन नर्मदापुरम जिला अस्पताल की जो तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उसमें डॉक्टर के ओपीडी टेबल पर एक जो स्ट्रीट डॉग है वो बैठा हुआ नजर आ रहा है। लिहाजा जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं का, वहां की सुरक्षा का खोल खोलता हुआ ये वीडियो सारी हकीकत को बयां कर रहा है। फिलहाल जिला अस्पताल के जो प्रबंधन है उससे बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि ओपीडी का टाइम समाप्त हो गया था और इस प्रकार की अव्यवस्था जो है जिला अस्पताल में फिर से ना बने, इसकी एताई बढ़ती जाएगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। इंदौर से बड़ी खबर है, डेंगू के मरीजों की संख्या में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। 4 नए डेंगू के मरीज सामने आए हैं। मरीजों में 3 महिला और 1 बच्चा भी शामिल है। डेंगू के कुल मरीजों की संख्या 74 पर पहुंच चुकी है। तो लगातार डेंगू का प्रकोप देखा जा रहा है। मरीजों में 3 महिला और 1 बच्चा शामिल होना बताया जा रहा है। नए मरीज मिले हैं डेंगू के, अब कुल मरीजों की संख्या 74 पर पहुंच चुकी है।
रायपुर से बड़ी खबर है, हॉस्टल में मिली है छात्रा की लाश। हॉस्टल के वॉशरूम में लाश मिलना बताई जा रही है। हिदायतुल्लाह लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा का शव बरामद हुआ है। शव के पास से कीटनाशक दवाई भी बरामद हुई है। मृतक छात्रा का नाम उर्वी भारद्वाज है, पांचवें सेमेस्टर की छात्रा थी। उर्वी भारद्वाज बिहार की रहने वाली बताई जा रही है। राखी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। छात्रा की लाश मिली है, वॉशरूम से लाश पाई गई है। शव के पास से कीटनाशक दवाई भी बरामद हुई है। फिलहाल पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। मृतक छात्रा का नाम उर्वी भारद्वाज बताया जा रहा है, जो पांचवें सेमेस्टर की छात्रा थी। और ये भी बता दें आपको कि बिहार की रहने वाली उर्वी भारद्वाज बताई जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, छात्रा का शव बरामद हुआ है वॉशरूम से, आखिर क्या है ज्यादा जानकारी? देखिए, ला यूनिवर्सिटी है हिदायतुल्ला, वहाँ की एक छात्रा है, हॉस्टल के वॉशरूम में और उसकी लाश है वो मिली है। बॉडी के आसपास जो कीटनाशक दवाई है वो पाया गया है। फिलहाल प्रथम दृष्टा ये सुसाइडल केस लग रहा है, लेकिन पुलिस है पूरे मामले की जाँच है वो कर रही है। उर्वी जो भारद्वाज है, ला यूनिवर्सिटी में पांचवें सेमेस्टर की छात्रा थी, मूलतः बिहार की रहने वाली है। और फिलहाल राखी पुलिस है, मामले की सूचना मिलने के बाद इस पूरे मामले पर जांच है वो कर रही है। वहां पर किसी तरह का सुसाइड नोट फिलहाल अभी मिला नहीं है, लेकिन वहां पर अन्य जो साक्ष्य है, तमाम चीज है, सभी के सबूत है वो एकत्र किए जा रहे हैं। और किसी तरह का किसी से कोई विवाद तो नहीं था, तमाम बिंदुओं की जांच है पुलिस फिलहाल कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया युगल। इंदौर की बात करेंगे, जहां अज्ञात बदमाश ने एक वाहन की डिक्की से 4 लाख रुपए पार कर दिए। चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है। दरअसल महालक्ष्मी नगर के रहने वाले संजय रघुवंशी अपने बेटे के साथ IDFC बैंक में 4 लाख रुपए जमा करने के लिए निकले थे। रास्ते में वे वाहन खड़ा करके मंगल सिटी मॉल में लैपटॉप बनवाने चले गए। इसी दौरान किसी ने रुपए गायब कर दिए, जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है और चोर को पकड़ने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं।